हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम किरण है और जो मुदल गांव की रहने वाली है और जिस सिस्टर की टेस्टामनी जे कि 8 साल से जिस सिस्टर बताते कि इनको मेकअप करने का बहुत मन करता था, 8 साल से इनका मन ऐसे ही था और इनके मन में ऐसे बुरे विचार भी आते थे। और जो बता रहे कि जैसे इनकी मैरिज हुई थी उस समय भी उसके बाद भी इनका मन ऐसे ही करता था और जो बहुत सारा जो सिस्टर ने बताया कि ऐसे मेकअप का सामान लेते ही रहते थे। और जो बताते कि जैसे उस घर में रहते थे तो पहले जिस जगह पर इनकी मैरिज हुई थी वहाँ पर भी इनका डिवोर्स हो गया। उसका कारण ये था कि इनके मन में जो विचार आते थे, इनके मन में क्रोध आता था और ये बहुत ऐसे इस चीज़ों में फंसे थे। और जैसे इनके बाद में फिर से मैरिज हुई उस जगह पर भी जो बता रहे सिस्टर कि उस घर की जो फैमिली, इसके सास ससुर जी हैं, उनके साथ भी इनकी बनती नहीं थी, जिनके साथ बहुत ऐसे क्लेश करते थे और उनके कहने में नहीं थे, उनकी आज्ञाकारी भी नहीं थे करते। जो सिस्टर बताते कि ऐसे कुछ समय बाद ऐसे जैसे चलता आ रहा था इनके साथ। और जैसे जो संगति में आए पिछले थर्सडे की मीटिंग में, और जो बताते हैं कि 20 दिन हो चुके थे कि जो अपने सॉरी फैमिली में ऐसे झगड़ा कर आए थे और जैसे इस जगह पर रह रहे थे और इनके पति के साथ इनकी बनती थी पर कभी कभी ऐसे क्लेश हो जाता था। और जैसे जो इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम उस दिन आए और प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे और प्रभु के दास के मुख से प्रोफेसी हुई, क्योंकि कोई ऐसी बहन है जो बहुत सारा मेकअप करती है और उसके मन में ऐसे बुरे विचार आते। तो जैसे ही जिस सिस्टर ने बताया कि आज ये सब कुछ मेरे साथ होता है, सबसे पहले हम उस क्लिप को देखेंगे। कोई ऐसी वो बहन है जो शैतान उसके मन में ऐसे डालता है कि उसका हर समय मेकअप में रहने को दिल करता है कि हर समय में मेरे मेकअप मुझ में मेरे पे लगा रहे। यहोवा ने ये बात मुझे बता दी थी, उसका ऐसे दिल करता है और वो हर समय ऐसे उसका माइंड गलत चीजों में जाता है। चल शैतान इसके जीवन से आंखें बंद कर, चल पूरी तरह से इसकी जिंदगी से, चल आज तुझे मैं डिस्कनेक्ट करता हूं शैतान पूरी तरह से, चल पूरी तरह से, चल आउट, चल पूरी तरह से इसकी सोचों से, इसके दिल और दिमाग से शैतान, जो तू इसके जीवन में छिप कर बैठा आज मैं पूरी तरह से तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं, चल आउट, चल पूरी तरह से इसकी जिंदगी से, इसकी सोचों में जो तू गलत शैतान इसके मन में विचार डालता है आज मैं तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं पूरी तरह से, आउट अगर आउट राइट नाउ, चल आज तेरा काम को तमाम खाओ, चल पूरी तरह से, चल पूरी तरह से शैतान इसके इसके तेरे चल आउट, खुदा मेरे जिंदा खुदा, चल छोड़ मेरे जिंदा, चल इसके माइंड से, ए यहोवा खुदा मेरे जिंदा खुदा, चल खुदा असली शैतान इसकी सोचों से, चल तुझे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ पूरी तरह से, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करता हूँ राइट नाउ, आउट आउट फ्री, रूह का मसा बहा यीशु जी। तो जैसे ही जैसे सिस्टर के ऊपर ऐसे प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई और प्रार्थना हुई और उसके बाद जिस सिस्टर ने बताया कि लास्ट में जिस सिस्टर प्रभु के दास के साथ मीटिंग कर गए और जिस सिस्टर ने बताया कि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी अपने घर में चली जाऊँ अपने पति के पास। और जैसे इनको सिखाया गया और प्रभु के दास ने इनको बताया कि जैसा आपका विश्वास है जल्दी आप अपने घर में चले जाओगे। और जिस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही प्रभु के दास ने बोला था और मैं विश्वास किया कि मैं संडे की मीटिंग पर गवाही देने अपने घर से आऊँगी। और जिस सिस्टर ने जैसे टेस्टिमनी लिखाई और जिस सिस्टर बताते हैं कि जिस सिस्टर ने बताया है कि जैसे इनके सास और ससुर के साथ सॉरी और
नहीं थी बनती और जो बता रही कि ने अपने पति को बोला कि इसमें अलग से खाना नहीं बनाऊंगी, आज से हम इकट्ठे रहेंगे, प्रेम के साथ रहूंगी, तो इनके पति ने बोला कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी बदल कैसे गई हो। तो जिस सिस्टर ने बोला कि जैसे मैंने उस दिन मीटिंग को अटेंड किया, सच में प्रभु ने मेरे मन को, मेरे जीवन को बदल दिया है और आज ये सिस्टर बहुत खुश है और अपने घर से संगति में आए हैं और परमेश्वर ने आज सिस्टर के जीवन से हर एक प्रॉब्लम से इसको फ्री कर दिया है। ओके, अब सुनो एक चीज, सुनो सुनो सुनो, हाँ देखो जिसे बाइबल बताती है हमें कि इंसान किसका स्वरूप है। बोलो किसका स्वरूप है, किसका वो बनाया हुआ है, किसने उसे बनाया, किसने बनाया। क्योंकि कोई भी इंसान गलत नहीं होता, कोई भी इंसान बुरा, पर पाप के कारण शैतान की जकड़न के कारण, शैतान के उस प्रभाव के कारण लोगों के साथ ऐसा होता है। इसलिए बाइबल में लिखा हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है, शैतान से। हाँ, लोग अपने बच्चों से, अपनी बहुओं से, अपने बेटों से, उनसे लड़ते रहते। अगर आत्मिक हैं तो वो समझेंगे इस बात को। हाँ, वो सोचते हैं ये बुरा है, ये गलत है। नहीं, क्योंकि वो चीजें ऐसे कौन हमारे सामने लेकर आता है, शैतान। जैसे इसके जीवन में था, तो देखो, हाँ बोलो क्या था पहले इसका कैसा जीवन था। और ये फर्स्ट बार, पहली बार आई, हाँ थर्सडे वीरवार की मीटिंग में आए और पहली मीटिंग में ही परमेश्वर ने इसके लिए बोला, उसके आत्मा ने इसके लिए, और आज ये पूरी तरह से उन चीजों से फ्री है। हाँ क्या है, क्योंकि शैतान बुरे बुरे विचार डाल रहा था। और कुछ चीजें ऐसे होती है जो इंसान ना चाहने से भी करता है। बोलो क्या है, ना चाहने से भी वो करता है। जैसे कुछ लोग होंगे उनका पीने को मन नहीं करता, पर जब शाम होती है तो क्या है, कटाणु लड़ते हैं। हाँ ऐसे होता है कईयों के साथ, उनका मन तो नहीं करता पर ना चाहते हुए भी कुछ चीजें उनके साथ ऐसे होती है। हाँ जैसे इसके साथ भी होगा, पर परमेश्वर सब जानता है। बोलो क्या है, और आज इसको उसने पूरी तरह क्या कर दिया, टोटली क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ये थोड़ा सा बताऊं आप, कब से ये चीज चल रही थी, कितने समय से? 2 साल हो गए से मैं अपनी सास। 2 साल से? हाँ जी, मैं ना अभी मैरिज। ये माइक की आवाज, मेरी लव मैरिज 2 साल हो गए मेरी लव मैरिज को। तो मैं अपने सास सहुरे नूं बिल्कुल भी सही नहीं समझदी सी, मैनूं बहुत क्रोध हुंदा सी उन्हां ते कि मैं इन्हां नूं बस देखा ही ना। तो जन जी मैं इत्थे आई हां वीरवार, ते मैं सारिआं नूं बड़ा प्यार करन लग पई, ते सारे मैनूं कहिंदे कि इकदम तैनूं की हो गया, ते मैं कहा कि मैं परमेश्वर ते जाण लग पई हां, मैं हुण बस। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी ये फर्स्ट बार ही आई, पहली बार आई, परमेश्वर जानता है। मुझे नहीं पता इसके मन में क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। हाँ बोलो, उसने व्यभिचारियों को भी क्या किया, माफ किया। हाँ पर किनको, जो नहीं जानते थे, जैसे ये नहीं जानती थी। हाँ यीशु मसीह उसकी सच्चाई को, पर अब परमेश्वर ने इसे क्या कर दिया, आजाद कर दिया। क्या कर दिया, आजाद कर दिया। आजाद, ओके, आज तो फ्री है पूरी तरह से। और बस अब एक काम करना, उसकी खोज में, उसकी सच्चाई में, उसके प्रेम में बढ़ना है, बस तेरा ये काम है। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष दे चुके हैं। ओके, तारीफ करेंगे जोर से, जोर से, जोर से, जोर से।